जी हाँ नमस्कार दोस्तों, खेसारी लाल यादव का साथ छूटने के बाद खुद सौम्या पोखरेल नए नए सुपरस्टारों को अब झांसे में ला रही है। दोस्तों पूरी अपडेट इस वीडियो में बताने वाले हैं। आपको बता दें कि खुद सौम्या पोखरेल ने चंदन चंचल के साथ मुलाकात करके खास बातचीत की। चंदन चंचल वही व्यक्ति हैं जिनका एक गाना वायरल हुआ था, देवरा ढोंढी चटना बा। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको वही अपडेट बताने वाले हैं कि सौम्या पोखरेल को चंदन चंचल ने एक गाड़ी दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एक फॉर्चूनर चंदन चंचल ने सौम्या पोखरेल को गिफ्ट के तौर पे दिया है। और ये गिफ्ट इसलिए दिया है, आपको बता दें कि वो उसके साथ उसके वीडियो में उसके एल्बम में काम करे सौम्या पोखरेल। आपको बता दें कि सौम्या पोखरेल अपनी बहुत ही नामो शोहरत कमा चुकी हैं खेसारी लाल यादव के गाने से। तो अब चंदन चंचल चाहते हैं कि वो अभी उनके साथ काम करे तो और ज़्यादा पॉपुलैरिटी हो जाए। तो दोस्तों इसके लिए ही चंदन चंचल ने उनको पहली मुलाकात में ही एक गाड़ी का तोहफा दिया है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ।